वस्तु के भाव से बेच दी। तो ये बताइए, 12 रुपए में 12 वस्तु खरीदी है, तो 1 रुपए में उसका क्रय मूल्य हो गया और 1.25 रुपए उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ कितना हो जाएगा, 0.25 का 1 टक में गुणा 100, यानी कि 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जल्दी से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की हानि यानी कि 10 से 9 कितने में बेचने पर, 72 रुपए में बेचने पर। तो यानी कि खरीद के कितने में लाया होगा, 80 रुपए में, क्योंकि तो ये सीपी है, ये एसपी है आपका, है ना। तो आपसे बोला गया है कि भैया 5% लाभ कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो 5% लाभ का मतलब क्या होता है, 20 से 21। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा था कि इसको बराबर कर दो आप, यानी कि अगर इसको 2 से करोगे तो इसको भी 2 से गुणा कर देना, तो 18 चौके 72, यानी कि 1:4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, 21 चौके 84, 84। तो 84 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। हाँ भाई, अच्छा ये बताओ, सबको पीडीएफ मिल गया था ना, सबने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया था, तभी तो आपने क्वेश्चन किए होंगे। हाँ है ना सर, पीडीएफ कैसे डाउनलोड होता है, अपडेट में जाकर होता है भैया, है ना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न ये देखिए कैसे करेंगे सब स्टूडेंट। विद अनोटेशन मैंने वहां भी डाला था ना, अपडेट में भी तो पीडीएफ आया हुआ है, अपडेट में भी पीडीएफ आया हुआ है, अपडेट में नहीं था, चलो ठीक है, मैं आज डाल दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ इसको कर सकते हैं हम, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ होता है लागत मूल्य पर, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 से 6, यानी कि ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी हो जाएगा। तो विक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ हम कह सकते हैं विक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो आप लोग मुझे बताइए, लाभ तो आपका एक ही हो रहा है, विक्री मूल्य क्या है, 6 है, कितना आंसर आ जाएगा, 16 सही 2/3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलिए, तो कैसे करेंगे, 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है। 69 रुपए में बेचने पर 8% की हानि होती है, तो 8% की हानि का मतलब कितना हो जाएगा, 8/100, 4 से काटेंगे आप, 4 दूनी 8, 25 चौके 100, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ, 25 से आपने 23 में बेचा, 25 में आपने खरीदा है, 23 में आपने बेचा है। आपसे क्या बोल रखा है कि भैया 78 रुपए में बेचा जाए तो क्या लाभ होगा। तो आप लोग मुझे बताओ कि 23:69 अगर 69 है तो 1:3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75। कॉन्ग्रेचुलेशन सुभाष, बहुत बढ़िया। तो हम यहाँ कह सकते हैं 75 से खरीद रहे हो, 78 में बेच रहे हो, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3/75 × 100, जो 25 थी, अब 75, 25 चौके 100, यानी कि 3 से 3 कट गया, 4% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब कितनी जल्दी आपसे क्वेश्चन बन रहे होंगे, जब चीज़ों को आप दोबारा पढ़ते हो या फिर अच्छे से करते हो तो अपने आप ही स्पीड बढ़ जाती है, क्वेश्चन भी आसान है। अगला प्रश्न ये लीजिए आपके सामने है, तो कैसे करने वाले हो ये देखिए। तो यहां पर कौन सा केस लगेगा, सक्सेसिव लग रहा है ना, सक्सेसिव लग रहा है, आप देख पा रहे हो, ए एक वस्तु बी को 20% पर बेचता है, यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं 5 से 6 पर बेचेगा, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5, यानी कि हम ये कह सकते हैं बी ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है और सी से डी जा रहा है। अब आपसे मैं हर चीज बोल देता हूं, हर चीज क्लियर करेंगे कि डी ने इतने रुपए दिए हों, यानी कि ये बताओ डी को बेचा, 8:1 किसके बराबर होगा, 29.7, ये वाली बात है ना, तो ए ने कितने में खरीदा होगा ये बोला गया है। तो आप इसको सक्सेसिव से कर लें, इसको आप सक्सेसिव से कर लें, जहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन निकालेंगे। ओ सॉरी, 8 से 9 होगा ना, 8 से 9 होगा, जहां हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम ये कह रहे हैं आपसे कि भैया देखो, 9:1 कितना हो जाएगा,
नौ नौ तिया 27, 3 पॉइंट। डायरेक्ट ए और डी निकालना है वो बात ठीक है, मैं समझ गया आपने निकाल लिया होगा 200 और 270 में। मुझे उससे कोई मतलब खुशी नहीं है, मुझे आपके हर एक चीज का पता लगाना है कि आपको हर एक चीज। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ए और बी के बीच में कितना लाभ हुआ, बी और सी के बीच में कितना लाभ हुआ, और सी और डी के बीच में कितना लाभ हुआ। तो हमें क्या है, बीच का भी निकालते हुए चलना है, ठीक है ना। डायरेक्टली तो आप ए और सी का निकाल लोगे, ठीक है। अगर सी का पूछता तो सी को कितना प्रॉफिट हुआ, तो आपका आंसर कितना होता, 3.3 हुआ, ठीक है। यानी कि 8:1 कितना है, 8 × 3.3 है। तो क्या मैं इसको 11 के बराबर कर देता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पर कितना प्रॉफिट हुआ है, 2.4 का, ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें, तो यहां आपको समझ में आ रहा होगा। और यहां पर कितना है, 24 है, तो यहां पर कितना हो रहा है, 4 का। तो यहां पे हम देख सकते हैं 5 × 20, तो क्लियर हो रहा है मेरे दोस्तों, सारी चीजें समझ में आ गई। सर डायरेक्टली कैसे होगा, अरे मेरी बात तो सुन लो पहले यार, तुम अपनी अपनी मर्जी चला रहे हो, मैं दो चीजें क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। आपको अब हर एक चीज पता है कि 20 में भैया ए ने खरीदा था, ए ने फिर 4 रुपए का प्रॉफिट कमाया, उसके बाद 24 रुपए हो गए उसके पास, फिर उसने सी को बेच, बी ने सी को बेच दिया, इसके बाद उसने इतना प्रॉफिट कमाया, उसके बाद सी ने डी को बेच दिया, ये सारी कहानी है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर अब देखो, चलो आपको मतलब वही है ना, रटी रटाई चीजें हैं, कुछ नया सीखना ही नहीं है। 20% का लाभ पर बेचता है तो 5 से 6 कर लो, 10% के लाभ पर बेचेगा 10 से 11 कर लिया, और 8 से 9 कर लिया, ठीक है। अब यहाँ आप इसको गुणा करो कितना आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो 2 से काटोगे 2 चौके 8 और 2 तिया 6, कितना आ रहा है यहाँ से, तो 270 में, और यहाँ से कितना आ रहा है, 200। 270 में क्या है, ये ए और डी का रेशो है, ये ए और डी का रेशो है, तो 270 में आपका किसके बराबर है, 29.7 रुपीज के बराबर है। तो यहाँ से आपका जो ए का, ए ने कितने में खरीदा, 20 रुपए में, क्योंकि यहाँ से एक रेशो बराबर कितना आ जाता, 0.1 रुपया। तो यहाँ पर आ गया 20 रुपया, ठीक है। अब मैंने जो तरीका बताया था ना, मैंने जो तरीके बताया पहले वाला, उसमें क्या कर सकते थे हम, आप मुझसे ये पूछते कि सर ये बताओ बी को कितना प्रॉफिट हुआ, है ना, तो वो भी मैं बता सकता था अमाउंट में। ये तो डायरेक्ट है, यहाँ तो डायरेक्ट हो गया, यहाँ पर क्या होता है, केवल ए का डी से रिलेशन आया, बाकी सब कुछ कट गया, ठीक है। हाँ समझ में आ गया, तो वहां हम मिड में भी निकाल सकते थे उस तरीके से, वो भी सक्सेसिव ही था, वो भी सक्सेसिव ही था, ठीक है। चलिए तो वो मैंने इसलिए बताया था आपको, है ना। बीच वाला निकालना हो, अगर यहाँ डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। चलिए तो क्लियर है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न देखिए, ये करके बताइए, बी पूछता तब, मैंने बताया ना, तो अब बी का निकाला तो था अभी अपन ने, है ना, बी निकाला था ना अभी, मैंने दिखाया था सारा पहले वाले मेथड से, तो इसका आंसर भी सबका आ गया, सेम कॉन्सेप्ट है। हम इसको दोनों मेथड से करेंगे, पहले वाले से भी और दूसरे वाले से भी। ए एक साइकिल को बी को 5% के लाभ पर बेचता है, ए एक साइकिल बी को 5% के लाभ पर बेचता है, यानी कि मैं तो सिंपल बात कर सकता हूँ, 20 से 21, बी उसी साइकिल को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचेगा यानी कि 10 से 11। अब सी ने ये खरीदा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, अब ए और सी का डायरेक्टली निकल जाता, लेकिन 11:1 मैंने लिख दिया 23:10, तो 1:1 कितना आ जाएगा, 21, तो यहां से हो गया 2100, 21:2100 है, तो 1:100 यहां से हो गया 2000। अब मैं आपसे पूछता कि मैंने ए और सी का तो निकाल लिया, ए और सी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, 310 का। अगर मैं पूछता बताओ बी और सी का कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो आप मुझसे कितना कहते, 210 रुपये, दिख रहा है ना आपका,
ये सक्सेसिव है, इंटरनली भी निकाल सकते हो। अगर डायरेक्टली निकालना चाहते तो क्या करते, 20 से 21 और 10 से 11, बस ये कितना आ जाता, 231, ये आ जाता 200, ये ए होता और ये सी होता क्योंकि बी कट जाता, तो ये होता है कंडीशन। उसी को आप इसके बराबर करते तो यहां से केवल ए और सी निकल पाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो यह हर एक चीज आपको समझा रहा हूं, हर एक चीज क्लियर कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि सर 2100 कैसे हुआ? अरे यार 11 रेशो, ये लास्ट में ही तो है, ये 11 रेशो ही तो सी ने रुपए दिए, ये इसके बराबर है, लास्ट वाला ही तो इसके बराबर है ना। ठीक है, तो 1 रेशो बराबर कितना आ जाएगा, 210, तो ये कितना होगा, 2100 ही तो होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? चलिए, तो बढ़िया मेथड है, आराम से इसका यूज करो और चुटकियों में क्वेश्चनों को उड़ाओगे यार आप। अगला प्रश्न करके बताओ। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, कभी भी आपको टाइम मिले ना तो आप इस टाइम का फायदा उठा सकते हैं। इसके द्वारा मेरे 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 यहाँ पर नंबर सिस्टम का कोर्स पढ़ा हुआ है, एडवांस मैथ का कोर्स है, वो सब भी आप पढ़ सकते हैं। ओके सर, ना चलो ले जाएगी बड़ा अपन। अगर टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। भाई देखने वाले देखते हैं, एक मनीष ने बोल रहा है कोई नहीं पढ़ेगा, सबको लेटेस्ट चाहिए। मनीष उस कोर्स को पढ़ के देखना भाई, है ना। सब सब कवर कर रहे हैं भाई, तुम ही हो ऐसे जो बोल रहे हो, है ना। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं देखिएगा। एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% पर बेचा, शेष भाग को अपने लागत मूल्य पर बेच दिया, तो पूरे सौदे में उसको क्या हुआ? आराम से सोचना, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। आप लोग मुझे बताओ कि 3/4 यानी कि मैं ये कह सकता हूं किसी भी चीज के चार हिस्से थे, एक हिस्सा तीसरा और एक हिस्सा एक। मैं तो ये कहूंगा कि मैंने 3 हिस्से को 20% के लाभ पर बेचा है, इसको तो 0% के लाभ पर बेचा है ना। जब कोई चीज आप लागत मूल्य पर बेचोगे तो 0% के लाभ पर ही तो बेचोगे, यानी कि टोटल आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 60% ही हुआ है। हर वस्तु पर तीन तीन वो चार में डिवाइड कर दो तो आपका औसत आ जाएगा 15%। औसत आपका क्या आ जाएगा, 15% आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात? अगला प्रश्न ये बार करके बताओ, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है ना। अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते थे। तीन गाय और 8 बकरी 47,200 रुपए में खरीदी जाती हैं। 8 गाय और 3 बकरी कितने में खरीदी जाएंगी अगर उसे 5,300 रुपये और देने होते। 5,300 रुपये और देने का मतलब समझ में आ रहा है, 5,300 रुपये और देने होते, सब भाषा का खेल है, यानी कि 47,000 में 53,000 रुपये ऐड कर दीजिए, यानी कि आप कितना देते, 1,200 रुपया। बात समझ में आ रही है? तो 53,000 नहीं है, मोर है, मोर। बात समझ में आ रही है? अब बन जाएगा, गलती कर ली, गलती से नहीं होता है ना। हाँ यही मिस्टेक की सर, यही मिस्टेक की। अब इसको क्या करना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ सॉल्व कैसे करेंगे, मैं एक तरीका बताता हूँ सॉल्व करने का, अच्छा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड वो क्या कहलाता है, 3 का 3 से गुणा करो 9 आ रहा है, 8 का 8 से गुणा करो तो 64 में से 9 चले गए तो कितने बचेंगे,
64 में से अगर 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? बोलो, 55 बचेंगे। इसका इससे गुणा करो और इसका इससे गुणा करो तो लेंथी चला जाएगा, लेकिन देखो गुणा करना आसान है। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये हो जाएगा करीबन, और 47 × 2 करेंगे तो 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा अपना 14 16। ठीक है, तो यहां से कितना निकल कर आ रहा है सॉल्व करने पर, यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? आप यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, 0 और 6 है ना, 110। हाँ हो रहा है, तो यहां से कितना निकल कर आ रहा है, 66 के करीब निकल कर आ रहा है। 66 कुछ भी आएगा आ जाएगा। 1:1 कितना आ रहा है, 12। कट गया 11 से काट के, 12 वाला आंसर हो जाएगा। यानी कि जो काओ है ना, काओ का ही पूछा गया है, तो ये काओ निकलेगा, जो आगे होता है वही निकलता है, तो 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये बहुत अच्छा तरीका है, एक तरीके से मैं ये कहूँ तो ये लड़ाई कंसेप्ट लगा सकते हो आप इसमें। लड़ाई कंसेप्ट ही है ये, लेकिन दिख नहीं रहा है, मैं बताऊं कैसे है ना। चलिए, प्लस क्यों किए सर, कहाँ किए प्लस? ठीक है, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर बकरी कहता तो कैसे निकालना है? बकरी कहता तो भैया देखो, 12,000 यानी कि 36,000 को घटा दो इसमें से और बटे 8 कर दो। ठीक है, बकरी कहता तो क्या करते, 36,000 को इसमें से घटा देते और बटे 8 कर देते। सर पिछला वाला रिपीट कुछ मन कर बनाई बनी है ठीक है। और ये अगर आपको लगता है कि आप बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो, तो वही वाली बात पड़ रही है ना, दो समीकरण बना लो आप, 3 काओ 8 बकरी 47,200 रुपए की है। ठीक है, 3 काओ 8 बकरी 47,200 की है। अरे सॉल्व करने पर आया भाई, सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्या? ये बेसिक ही होता है, आपने 10वीं अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो आपके क्या दो मेथड होते हैं 10वीं में, 10वीं में आपके दो मेथड होते हैं, 10th क्लास में आपके दो मेथड होते हैं अगर आपने गणित पढ़ी है। पहला मेथड होता है विलोपन विधि, याद करो, एलिमिनेशन मेथड। दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, याद करो है ना। अभी ये याद ही नहीं है तो फिर पता क्या चलेगा। अलग अलग तरीके से सारी चीजें निकल की जाती हैं। अब यहां पर आप एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो, तो ये कितना है? एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप ये देख लीजिए, यहां पर आप 8 का गुणा कर लीजिए और यहां पर 3 का कर लीजिए, ऐसा कर लो। तो कौन कटेगा, कौन कट जाएगा? ये कट जाएगा, बकरी निकलेगा यहां से, बकरी निकल जाएगा। तो जैसा करना है वो टाइम टेकर लगता है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न करिए, ये क्वेश्चन करके बताइए। अरे वो क्रॉस वाला एक तरीके से लड़ाई कंसेप्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना, तो मैंने उसको बोला लड़ाई की तरह काम करेगा, है ना, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? एक विक्रेता ₹225 की कलाई घड़ी खरीदता है और मरम्मत पर ₹15 खर्च करता है। यदि वह उसे ₹300 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 225 की तो खरीदता है और ₹15 उसकी रिपेयरिंग करवाता है, यानी कि उसको कितने की पड़ रही है घड़ी, 240 की, और 300 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 60 का, किसके रेस्पेक्ट में, 240 के रेस्पेक्ट में, 225%। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बराबर से, नहीं हुआ ये क्वेश्चन? कैसे करेंगे भैया इस क्वेश्चन को, देखिएगा। एक
एक पंखे का विक्रय मूल्य इतने रुपए से घटकर 1,000 रुपये हो गया, उसकी यानी 10% बढ़ जाती है। तो ये तो बहुत आसान है, यानी कि 10% की हानि जो बढ़ रही है, 10% की हानि जो बढ़ रही है वो किस वजह से बढ़ रही है? वो 250 रुपये कम कर देता है ना, इसी वजह से। तो आपका जो 10% की हानि 250 रुपये कम कर देता है, इस वजह से बढ़ रही है। लागत मूल्य क्या हो जाएगा? 100% कितना हो जाएगा? 2,500 रुपये। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऋतु ने 20 रुपये प्रति दर्जन है ना की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि 6 अंडे सड़ गए, शेष अंडे 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए, उसे कितने का लाभ हुआ? आराम से करना इस क्वेश्चन को। आप लोग मुझे बताइए, 20 रुपये एक दर्जन के, 2.5 दर्जन का कितना हो जाएगा? 50 रुपये। 2.5 दर्जन का कितना हो जाएगा? 50 रुपये। ठीक है, अब क्या बचे भैया? 6 अंडे सड़ गए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ केवल 2 दर्जन ही बेचने योग्य अंडे बचे हैं? और 2 दर्जन को आप 22 दुनी 44 रुपये में बेचोगे, तो आपको कितना हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। किसका हो रहा है? 6 का हो रहा है ना, 50 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, × 100। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 12%। 12% का आपका क्या हो गया? लॉस हो गया डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट करके बताओ। एक दर्जन वॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 वॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ये जो क्वेश्चन होता है ये थ्योरी पे बेस्ड है, थ्योरी बेस्ड है। अब आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपसे हमेशा एक चीज कही है कि जितनी चीज आप खरीद रहे हो उतनी ही चीज आप बेचने पर लगाओगे। भाई जो भी लाभ और हानि होगी वो किस पर होगी? क्वांटिटी सेम होने पर होगी। तो ये मुझे बताओ, चार एक दर्जन बेचने पर, चार एक दर्जन यानी कि मैं ये कह सकता हूँ आपको लाभ हो रहा है ना, तो एक दर्जन यानी कि 12 पेन का सेलिंग प्राइस माइनस 12 पेन का कॉस्ट प्राइस आपका जो है वो बराबर हो जाएगा 4 पेन के सेलिंग प्राइस के। मेरी बात यहाँ क्लियर हो रही है क्या? एक एक क्वेश्चन को पढ़ लो पहले, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ लो। जिनको भी डाउट आ रहा है वो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लें बस। क्लियर है? यहाँ 12 पेन ही क्यों लिए? क्योंकि 12 पेनों का ही देख रहे हैं ना, 12 पेनों का एसपी माइनस 12 पेनों का सीपी, अभी तो प्रॉफिट होगा। वो किसके बराबर है? 4 पेन के सेलिंग प्राइस। सर वी कांट, अरे करना ही नहीं है ना, लेना ही नहीं है, एक वे क्यों लेना है, आराम करो ना। तो 12 पेन का एसपी बराबर हो जाएगा 20 पेन का सीपी। तो एसपी अपॉन सीपी कितना आ गया? 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12। कितना हो रहा है भैया प्रॉफिट? 2 का प्रॉफिट हो रहा है 3 के रेस्पेक्ट में × 100। गड़बड़ कर दी क्या अपन लोगों ने? 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, यही आ रहा है ना? ओ सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दी है, माई मिस्टेक माई मिस्टेक है ना। मैंने क्या किया है, वो जोड़ दिया मैंने उधर है ना। तो यहाँ एसपी घटेगा है ना, तो यहाँ हो जाएगा कितना? 8 SP बराबर हो जाएगा 12 CP। तो SP और CP का रेशियो 4 × 8, 4 × 3 = 12। तो यहाँ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? 1 का। किसके रेस्पेक्ट में? 3 के रेस्पेक्ट में, × 100। क्लियर हो रहा है? सबको समझ में आ गया कि क्या हुआ? लॉस हो गया यहाँ तो यार, है ना? प्रॉफिट नहीं हो रहा है शायद, है ना? प्रॉफिट
प्रॉफिट ही हो रहा है यार, क्या कर रहा हूँ मैं आज, मैं क्या कर रहा हूँ आज, है ना। 3/4, 3 4 3 12 और 4 2 8 आएगा, तो प्रॉफिट हो रहा है 50% का, दिख नहीं रहा है मुझे। प्रॉफिट हो रहा है क्या, 50% का प्रॉफिट हो रहा है आज, ठीक है भैया। हाँ चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न ये करके बताओ, चलो आप सब लोग करके बताओ। अगर 50 प्यालों का सीपी 40 प्यालों के एसपी के बराबर है, तो 50 प्यालों का सीपी 40 प्यालों के एसपी के बराबर है, तो सीपी अपॉन एसपी कितना हो जाएगा, 4/5, यानी कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 1/4 × 100, 25%, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न करके बताओ, ये रेशो का है, ये हमने किया भी है, टेस्ट में आया था, है ना। उसी तरीके से क्वेश्चन है, टेस्ट का क्वेश्चन अलग था, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन कंसेप्ट वही है, ठीक है। तो आंसर इसका 250 आ जाएगा, आप कर सकते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए ए बी और सी है, 1170 रुपये की राशि है, अब बीच में गलती से इस स्थान पर इस अनुपात पर वितरित कर दिया, यानी कि 1:2, 1/3 और 1/4 में होना था, उन्होंने क्या कर दिया उसका, इसका एक्चुअल रेशो बनाओगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो रहा है 12, तो 2 6 12, 3 4 12 और 4 3 12, 6 4 3 में बांटा जाना चाहिए, और वो 2 4 3 में भी बांटा जाना चाहिए, तो ये गलती तो की है ना। तो आप लोग मुझे बताइए टोटल सम क्या है, इसका टोटल सम हो रहा है 13 रेशो, और इसका टोटल सम हो रहा है कितना, 9 रेशो। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, हाँ क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो रुपये हैं, ये जो रुपये हैं वो तो इक्वल होने चाहिए ना, क्योंकि जो पैसा ऐड होगा लास्ट में वो तो समान ही होगा, यानी कि ये रेशो हमें जबरदस्ती इक्वल करने पड़ेंगे। यहाँ 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां 9 का हो गया, तो बस अब आप देखिएगा रेशो भी चेंज हो जाएंगे। अब देखिए किसको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, किसको फायदा हो रहा है, जिसकी राशि बढ़ गई, यानी कि 9 3 27 से 13 4 52 हो गया, यानी कि मैं ये देख रहा हूँ 25 रेशो की फायदा हो गया सी को, 1 रेशो बराबर 10 है तो 25 रेशो बराबर 250, ठीक है। नेक्स्ट करके बताओ, नहीं हुआ कोई बात नहीं, आराम से देखना, इसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है वो देखिएगा जरा, 180 रुपये प्रति किलोग्राम और 280 रुपये प्रति किलोग्राम वाली किस्मों को मिला दिया जाता है, और 320 रुपये प्रति किलोग्राम वाली बेचने पर 20% का लाभ होता है। यहां अगर आप सीपी लिख रहे हो, यहां अगर आप सीपी लिख रहे हो, तो यहां पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, सीपी ही लिखना पड़ेगा, 20% का लाभ हो रहा है, और ये क्या है, आपका एसपी है, विक्रय मूल्य है, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ 5 से 6 हो जाएगा, 6 अनुपात बराबर आपका कितना है, 320 रुपया है ना, तो यार 6 अनुपात बराबर 320, तो यहां से आप निकाल सकते हो कि सर ये हो जाएगा 800/3। तो हमेशा एलिगेशन का कंसेप्ट क्या होता है, एलिगेशन का हमेशा कंसेप्ट यही होता है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे क्या फायदा होता है, इससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, दोबारा से सुन लीजिए सब लोग, हमने क्या किया, हाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सीपी था, यहाँ पर भी सीपी था, तो यहाँ पर भी सीपी बनाया, बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए
तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं 18 18 54, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 260, और यहाँ से कितना आ रहा है 40, तो रेशो आ रहा है 2:13, यानी कि ये इस अनुपात में मिलाई गई है, ये इस अनुपात में, ये इस अनुपात में, ठीक है, 2:13। 800 कैसे आएगा? आपको प्रॉफिट हो रहा है ना अगर 300 बीच में बेच रहे हो तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 5 से 6 हो गया? अगर 20% का प्रॉफिट है डियर तो 5 से 6 हो जाएगा। ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है ना? तो 1:1 कितना हो रहा है? 1:1 कितना हो जाएगा? 320/6, ठीक है। और इसको और काटोगे तो 160/3, और अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कितना हो जाएगा फिर? 800/3 ही तो होगा, क्योंकि 5:1 है ना वो। क्लियर हो रहा है क्या? अब समझ में आ गया? तो बीच में जो रखा गया है वो आपको क्या रखना है? वही रखना है क्या? जो औसत है, जो टोटल मिलाकर विक्रय मूल्य दे रखा है आपको, तो सेलिंग प्राइस रखना है बस, ठीक है। चलिए, अरे भैया प्रॉफिट लॉस में ये क्वेश्चन आ जाते हैं सारे, है ना? प्रॉफिट लॉस में आ गया ना भाई, ये 20% लाभ पर बेचा जाता है, आ तो गया है ना भाई? ऐसा नहीं होता, टेस्ट करके नहीं आता कि ये भैया ले प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, ये सारे प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन ही बनते हैं। देखो, ए और बी किसी कारोबार में 3:2 के अनुपात में धन को निवेश करते हैं, कुल लाभ का 5% भाग दान दे दिए जाता है, तो लाभ में से ए का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ कितना होगा? ठीक है, तो अब ये देखिएगा, सारी की सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, आराम से सोचिएगा। ए और बी किसी कारोबार में 3:2 के निवेश करते हैं, यदि कुल लाभ 5% दान दे दिया जाता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं अगर 5% दान दे दिया जाएगा तो 95% को ही यूज किया जाएगा ना? यानी कि जो ए और बी है वो जो 3:2 है, यानी कि 5:1, ये 19 * 57 और 19 * 38%, इतना इतना मिलेगा। 95% को ही तो मैं बांटूंगा, 95% को ही तो मैं बांटूंगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ ये ए का हिस्सा है जो कि इसके बराबर है, तो कुल हिस्सा निकाल सकते हो, इसको आप काट लो, आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। 95 से गुणा कर देना है, समझ में आ रही है बात? 8550 को अगर 57 से आप डिवाइड करते हो तो 150 आ रहा है, 95 * 150, 19 से भी कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कितना आंसर आ रहा है? कृति कह रहे हैं भाई ग्रुप डी एग्जाम स्टार्टेड, कब से स्टार्ट है ग्रुप डी का एग्जाम? 15/5 75, 15/9 135 और 7। ठीक है, 14,250, ठीक है। अब ये पूछा गया है तो कुल लाभ है, लेकिन ये आंसर नहीं है, है ना? आपको 100% निकालना है, आपको क्या निकालना है? 100%। तो आप इससे गुणा ना करें, आपको 95% से कोई लेना देना नहीं है दोस्त, है ना? क्योंकि कुछ लोग मिस्टेक तो करेंगे, इसी वजह से समझने की बात है कि आपका जो 57% है ना, वो आपका 8550 के बराबर है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, जो कि 15,000 आ जाएगा आंसर। मेरी बात समझ में आ रही होगी, है ना? जो गलती कर रहे हैं, हाँ डायरेक्ट ही कर किया है हमने ना, डायरेक्ट भी किया है हमने। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा, करके बताइए। सर बी होगा ना? नहीं बना, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, कर लो, चलो। क्यों नहीं हुआ भाई? मैं पूछना चाहूंगा सर, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें? नहीं बना सर, कोई बात नहीं, देखो आराम से, देखो आराम से। सर 57 कैसे हो गया? अरे यार कैसी दिमाग नहीं लग रहा तुम्हारा यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताओ, आपके पास 5% आपने दान दे दिया, कोई चीज आपके पास क्या थी? 100% थी। आपने 5% दान कर दिया तो कितनी बची?
95% बची, 95% बची ना, तो आप लोग मुझे बताओ 95% को ही तो बांटोगे 3:2 में, तो 5:95 है तो 1:19, 19 या 57 ही तो आएगा, नहीं आएगा क्या? दिमाग ही नहीं लग रहा है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक दूध वाला यह दावा करता है कि वह दूध को उसके क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर इतने परसेंट का लाभ कमाता है, तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है इस क्वेश्चन को करने में, आराम से। आप लोग मुझे बताओ, दूध वाला ये दावा करता है कि वह दूध को क्रय मूल्य पर बेचेगा, यानी कि वो गड़बड़ नहीं करेगा, वो आराम से कह देगा कि भाई ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वह उसमें पानी मिलाकर इतने परसेंट का लाभ कमाता है, तो ये क्या है? 26 सही, 2/3, 80/3% है। 80/3 को और भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 80/300, 0 से 0 चला गया, 4/15 लाभ कमा रहा है, यानी कि 15 से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 15 से कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ, पानी की प्रतिशत मात्रा पूछी है आपसे, क्रय मूल्य पर बेच रहा है और इतने का फिर भी लाभ कमा रहा है, तो ऐसा क्या कर रहा है वो बताओ, ऐसा वो क्या कर रहा है कि वो आराम से सेट है अपना, लाभ भी उसका चल रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ? सिंपल सा एक लॉजिक सोचना है आपको, है ना? तो मैं ये कह दूं कि यहाँ पर चार जो रेशो है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो चार रेशो है ही, चार रेशो वाटर है, पानी का प्रतिशत। अब टोटल कितना है? टोटल नीचे क्या आएगा? यहां अगर आपने चार रेशो डाला है तो नीचे क्या आएगा? 19 में से 19 दूनी 38, 26 सही, 2/3 है, ये 80/3 हो गया। ठीक है ना, 19 और 8 और 4 12, 12 सर, उसने सीपी में बेचा है भाई 19% को, वह बोल रहा है कि मैं सीपी में बेचता हूँ, लेकिन वह अपने पानी मिलाकर 26.66% का लाभ कमाता है। ठीक है, वह पानी मिलाकर 26.66% का लाभ भी कमा रहा है, ठीक है, और पानी की मात्रा कितनी है? जो लाभ आ रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा, मैं कह रहा हूँ दूध तो मेरे पास 15 ही है, तो दूध तो जो है वो अपने पास 15 ही है ना, बस 15 ही है ना, और चार हिस्सा जो आपका है वो प्रॉफिट है, वो पानी होगा, वो पानी है। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ कितना आएगा? मिश्रण में पानी का पूछा गया है ना, तो 4/19 ही आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये लगभग कितना हो रहा है, 1/19 करेंगे तो हाँ 21 आ रहा है अप्रोक्स, 21% आंसर आ जाएगा, फिर यही कंडीशन लगेगी और क्या है ना, बस ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट हो रहा है वो तो हमारे पास है ही ना, और टोटल पूछा गया है, तो 19 कैसे भाई? अब ये बताओ मेरे को, आपके पास 15 क्या है, प्योर दूध है, आपके पास 15 प्योर दूध है, लेकिन आप क्या बेच रहे हो उसको? आप पानी भी तो मिला रहे हो ना, चार आप पानी मिला रहे हो ना, चार, तो 4 19 की जगह 15 लेंगे, पानी पानी भी तो मिला के दे रहे हो ना उसको, यानी कि आप उसमें जो पैसा लोगे, हाँ अरे यहाँ पे यार तुम बुद्धि नहीं लगा रहे हो बिल्कुल भी, ये जो नीचे 15 है ये क्या है, प्योर मिल्क है, इसमें आपने फ्री का पानी डाला है, वही तो आपका प्रॉफिट है, बाकी तो आप प्रॉफिट कमा ही नहीं सकते ना, क्यों? क्योंकि आपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है ना, आपने दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया है ना दोस्तों, बात समझ लो, दिमाग में बैठा लो। ठीक है, आप जब दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहे हो तो 15 तो आपका प्योर दूध है, अब फिर भी आपने 4 का प्रॉफिट कमा लिया, टोटल कितना हो जाएगा?
अंग्रेजी तो होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, और क्योंकि हमसे पूछा है टोटल मिश्रण में, मिश्रण में पूछा है ना, अगला क्वेश्चन देखिए इसका आंसर क्या आएगा। ₹189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, ₹189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी, ठीक है, तो ₹189 में 45 के हिसाब से बेच दी, तो बताइए लाभ और हानि क्या होगा। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर प्राइस सेम है, प्राइस यहां पर सेम है, तो आइटम इक्वल करने पड़ेंगे भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप 81 89 रुपए में 36 के हिसाब से खरीद रहे हो, ठीक है, 36 आर्टिकल, और 189 रुपीज में आप क्या कर रहे हो, 45 आर्टिकल, ये चला दो। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को। अब मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या कि जो ये कंसेप्ट कह रहा है कि आपको लाभ और हानि बताना है, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। पहले दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को करना चाहेंगे, दो तरीके से हम इसको दिमाग लगाएंगे कि भाई प्राइस तो सेम है सर, लेकिन वो 36 आर्टिकल हो रहा है, वो 45 आर्टिकल हो रहा है, तो आप एलसीएम लेके कर सकते हो, आप एलसीएम लेके कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आर्टिकल अगर आपके पास हो ना, तो आर्टिकल को सेम करना पड़ेगा, पहले आर्टिकल को सेम करते हो, फिर हम आर्टिकल को उल्टा भी कर सकते थे, मैं बताऊंगा। आर्टिकल को सेम करेंगे तो मैं एलसीएम मान लेता हूँ 360 मान लेता हूँ, या 180 मान लो, तो इसमें 5 का गुणा कर दो और इसमें 4 का गुणा कर दो, तो इसमें 5 का गुणा हो जाएगा, इसमें 4 का हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का, 1:1 का, किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, 5 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 20% आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन से कैसे बचें, कैलकुलेशन से कैसे बचें, जब रुपया समान हो ना और आर्टिकल है 36 वस्तुएं खरीद रहे हो और 45 बेच रहे हो, तो यहाँ पर ये क्या है, वस्तु का रेशो है 9 चौके 36, 9 परम 45, ये जो रेशो है ये किसका है, आर्टिकल का रेशो है। प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5 में खरीद रहे हो, 4 में बेचोगे, तो आप उल्टा कर सकते हैं। सर 5 की रेस्पेक्ट क्यों, अरे सीपी के रेस्पेक्ट में तो निकलता है यार, दिमाग ही नहीं लगा रहे हो, प्रॉफिट और लॉस सीपी के रेस्पेक्ट में भी तो निकलता है ना। आप जब, मैंने क्या कहा, आप जब रुपए समान हो ना, तो आप क्या करो, उनकी वो बदल दो, आर्टिकल को बदल दो, वो प्राइस का रेशो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, आज आपको होमवर्क और देने वाला हूं, है ना, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक किताब पर छूट विक्रय मूल्य का 30% है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ विक्रय मूल्य और डिस्काउंट, डिस्काउंट और विक्रय मूल्य का जो रेशो दे रखा है वो 3/10 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या, क्लियर है यहां तक, पहली इक्वेशन क्लियर है क्या, परसेंटेज छूट और परसेंटेज लाभ के बराबर है, परसेंटेज जो छूट है वो आपका परसेंटेज लाभ के बराबर है, ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट आपका परसेंटेज प्रॉफिट के बराबर ही है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। अब छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। देखो भैया, देखो सिंपल सा लॉजिक ये है
कि अगर मैं इस छूट को अच्छे से कैलकुलेट करके लिखूं तो ये छूट एमपी माइनस एसपी हो जाएगी क्या? तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि ये 3/10 हो गया सर? हो गया नहीं हो गया? यहां से आप क्या निकाल सकते हो, 10 MP माइनस 10 SP बराबर 3 SP हो जाएगा। यहां से आप एमपी और एसपी का रेशो निकाल सकते हो ना, तो ये हो गया कितना, 10 और 13, तो एमपी और एसपी का रेशो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स, 13/10। कोई दिक्कत? अगर मैं परसेंटेज डिस्काउंट की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है 13 के रेस्पेक्ट में, यही परसेंटेज प्रॉफिट के बराबर होगा, यानी कि एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी। क्या आप यहां से एसपी सीपी का रेशो निकाल सकते हैं? सर एसपी में डायरेक्ट डी जोड़ दो ना। अरे सबर करो ना भाई, इनको बताने दो ना, इतना तो सबको पता है। ठीक है, तो अभी बताने दो, है ना, डिटेल में बताने से क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर होते हैं। डायरेक्ट कर दूंगा फिर ये कंसेप्ट टूट जाएगा, देखिएगा। समझ में आ रही है बात? तो यहां से हम ये कह सकते हैं 16 CP बराबर कितना हो जाएगा, 13 SP। कोई इशू यहां तक, किसी को कोई समस्या? तो यहां से आप क्या कह रहे हो, सीपी और एसपी का रेशो निकल कर आ रहा है 13/16। अब आ जाओ भाई, अब आप लोग मुझे बताओ, यहां पर एक चीज है जो मुझे कॉमन करनी है, एक चीज कॉमन करनी है, एसपी को इक्वल करना है। उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, 8 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 5 का गुणा करना पड़ेगा। अब आपसे क्या बोला गया है वो देख लो, छूट कितनी है भैया, छूट क्या होती है, इन दोनों का अनुपात, छूट हो जाएगी भैया 24, और क्रय मूल्य कितना है, 65। आंसर कितना आ जाएगा, 2465। ये वही क्वेश्चन है, याद करो, जो हमने परसों किया था एक, है ना, एक परसों भी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, परसों भी इसी टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, कि एक स्टूडेंट ने भेजा था, अपन ने किया था वो सॉल्व फिर। ठीक है ना? हाँ, तो मेरी बात आप समझने की कोशिश करो, क्या समझ नहीं आया, कंसेप्ट ही तो है सारा, कंसेप्ट है सारा, क्या समझ नहीं आया मैं स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा, समझ क्या नहीं आया, कुछ भी, है ना, कुछ भी नहीं आया। कि ये पता नहीं है आपको कि ये डिस्काउंट क्या होता है, बोलो नहीं पता है, बोलो ये बोलो कि सर हमें ये नहीं पता कि डिस्काउंट ये होता है, हमें ये नहीं पता कि हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, रेशो नहीं निकाल पा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि प्रॉफिट ये होता है, सब पता है ना सर। 24 कहां से आया, 24 कहां से आएगा, डिस्काउंट क्या होता है, एमपी माइनस एसपी तो होता है ना, तो घटा लो ना, 24 ही आएगा, लंबा कुछ भी नहीं है। 3/13 कहां से आया, 3/13 कहां से आएगा भाई, कहां से आएगा 3/13, यहां से निकल के आया ना, सब 3 कहां से आया, सॉल्व करने पर आया यार, दिमाग क्यों नहीं लगा रहे हो तुम, दिमाग ही नहीं लगा रहे हो। देखो दोबारा देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो पढ़ो क्वेश्चन को पढ़ो, दोबारा पढ़ो, डिस्काउंट जो है विक्रय मूल्य का 30% है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जो डिस्काउंट है विक्रय मूल्य का 30% है, यानी कि 3/10 है। बोलो ये समझ में आ गया क्या, बोलो समझ में आ गया क्या? अब बोला क्या गया है, डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस बराबर दे रखा है 3/10, ये अनुपात है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है। आसान तरीका बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका है, ठीक है, समझने के लिए सबसे आसान तरीका है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, कोई इशू आ रहा है यहां तक? ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए एमपी क्या हो जाएगा, एमपी मार्क प्राइस क्या होता है, कभी भी मार्क प्राइस निकालना हो तो इन दोनों रेशो का योग हो जाएगा 13, हो जाएगा ना। अब क्या बोला गया है, परसेंटेज छूट, तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, एमपी और एसपी का जो अंतर है वह आएगा अपॉन एमपी के रेस्पेक्ट में निकलता है, और यही तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट के बराबर है। परसेंटेज प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, हर एक चीज है।
अब यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लोगे, कितना आ रहा है, 3 CP बराबर 13 SP माइनस 13 CP, तो 16 CP बराबर 13 SP। अब सीपी और एसपी का रेशियो कितना निकल कर आ रहा है, 13/16। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या, कोई समस्या ही नहीं है। अब मुझे आप बता दो कि यार यहाँ पर इन दोनों में SP यहाँ पर 10 दे रखा है सर, और यहाँ पर SP 16 दे रखा है, तो क्या बराबर नहीं करोगे क्या, करना पड़ेगा, नियम कहता है। इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 8 से गुणा कर दो, दोनों रेशो को। छूट क्या होती है, MP माइनस SP, 8 तो कॉमन है, 3 रेशो का अंतर है, यानी कि 8 या 24, और CP कितना है, 65। क्या है क्वेश्चन में, कुछ नहीं है, कंसेप्ट है, तो करके लाइएगा। हाँ सारी चीजें मैंने बता दी हैं, ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है, आज ट्राई करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट पर है, PDF में डाल रहा हूँ, ये PDF हो गई पूरी की पूरी, है ना, ये PDF तो पूरी हो गई आपकी, है ना, साथ के साथ एक PDF और डाल रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करना, अच्छे क्वेश्चन दिए लास्ट में, एक PDF और डाल रहा हूँ, ये लो ये रही दूसरी PDF, ठीक है, तो दोनों PDF में डाल रहा हूँ आपके लिए, दोनों PDF के क्वेश्चन बना लेना, बचे हुए भी कल हम इन सबको सॉल्व कर लेंगे, अपडेट में मैं डाल रहा हूँ, यहाँ भी डाल रहा हूँ, अपडेट में भी डाल रहा हूँ, ठीक है, ये लो दूसरी PDF, ये रही, ये रही, ये दूसरी PDF है, इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन है, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, ठीक है, जो रेलवे पूछता है, रेलवे में जो आते हैं बार बार, ठीक है डियर सर। हाँ भाई मजे से क्लियर हो रही है सारी चीजें, तो अच्छे से करते जाओ।